हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने गुड़हल के प्लांट पे ढेर सारे फ्लावर कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों की ये कमेंट आती है कि हमारे गुड़हल के प्लांट पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं और उसके लीव्स भी हैं जो येलो हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब जो होते हैं कि कुछ तो आप अगर ओवर वाटरिंग कर देते तो इसके कारण भी लीव्स येल्लो होने लगते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सके उसमें फर्टिलाइज़र की कमी हो, तो इसलिए मैं आज आपको कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ। अगर आपके गुड़हल के प्लांट पे अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं तो आप ये फर्टिलाइज़र एक बार यूज करें तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों, मैंने भी कुछ टाइम पहले इसमें वो फर्टिलाइज़र केमिकल यूज किए तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, इसलिए मैं आप सब व्यूवर्स को भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करके अपने गुड़हल के प्लांट में ढेर सारे फ्लावर ले सकते हैं। क्योंकि गुड़हल का जो प्लांट है ये हैवी फीडर होता है, इसलिए इसे हमें अच्छी डाइट देनी ज़रूरी है। आपको कभी भी गुड़हल का प्लांट प्लास्टिक के पॉट में ना लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में जल्दी जो है कि हम जो पानी डालते हैं वो सूख नहीं पाता है और उसकी जड़ें धीरे धीरे गलने लगती हैं, तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, पहला हमारा ये जो है ये है एप्सम सॉल्ट। दोस्तों, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये आपको मेडिकल पे भी मिल जाएगा, गार्डनिंग शॉप पे भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसको डालने का यही कारण है, ये हमारी नई ग्रोथ को निकालता है, इसलिए इसको हम एक टीस्पून डालेंगे और इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसकी निकलेगी। तो अगला हमारा जो है ये है एनपीके। ये एनपीके आप 90-90-19 भी ले सकते हैं, 20-20-20 भी ले सकते हैं। मेरा ये 20-20 है तो इसको भी मैं हाफ टीस्पून डालूँगा इसमें। तो दोस्तों, ये देखिए, आप इसको आपको जो मैन इसका जो ट्रंक है उससे आपको दूरी रखना है, गमले के किनारे किनारे आपको डालना है। तो हमने इसको भी डाल दिया है। उसके बाद हमारा जो अगला है वो आपको दिखा दे रहे हैं, ये है पोटास। तो देखिए ये, तो दोस्तों ये है पोटास। ये पोटास बहुत ज़रूरी होता है, इसे डालने से हमारे जो लीव्स हैं वो बहुत ही ग्रीन कलर के रहते हैं और वो सूखने से भी बचते हैं। तो दोस्तों, ये पोटास है, इसको डालना एक टीस्पून, ये बहुत है इसके लिए। तो दोस्तों, लगभग और फर्टिलाइज़र हो गए हैं, एक फर्टिलाइज़र और इसमें रह गया है, वो है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है, इसे डालने से जो फ्लावरिंग होती है वो बूस्ट हो जाती है और ढेर सारे फ्लावर आने लगते हैं। तो इसके भी हम 5-6 दाने डालेंगे। अगर आपका 10 इंच का गमला है तो आप 10 दाने डालिए, 8 इंच का है तो 8 दाने डालिए। तो दोस्तों, इसको डालने के बाद हमारे पे है ये है सुपर फास्फेट। दोस्तों, ये आपको लोकल गार्डनिंग शॉप पे मिल जाएगा या आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको भी हम डाल देंगे इसी में। अब लगभग हमने सारे फर्टिलाइज़र डाल दिए, अब हमको इसकी गुड़ाई करनी है। दोस्तों, तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मैं तो ये चम्मच ले रखा हूँ, इसी से मैं इसकी गुड़ाई कर दूँगा। तो बस आपको इसको बढ़िया से मिक्स कर देना है ताकि जब हम इसमें वाटरिंग करें तो ये जो फर्टिलाइज़र हमने है वो इसकी रूट तक आराम से पहुँच जाए। तो अब हम इसकी गुड़ाई कर देते हैं। आपको ऐसे गुड़ाई करनी है, अगर इसकी हल्की जड़ें भी डैमेज हो जा रही तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब हम इसमें करेंगे वाटरिंग। तो दोस्तों, ये देखिए, अब हम इसमें वाटरिंग कर दे रहे हैं। तो बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब 20 डेज़ के बाद हमको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूं। तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।